मनरेगा में बड़े पैमाने पर घोटाला, लाभुक का पैसा वेंडर लेके घूम रहे हैं और वेंडर तय कर रहे हैं जो कितना पैसा उनको दिया जाए। यहाँ वेंडर नहीं है, यहाँ कमीशन एजेंट बन करके बैठे हुए हैं। जंगल राज मैं इसलिए कर रहा हूँ जो कन्हर नदी लगता है जो उठा करके सब ले जा करके शिफ्ट करा देगा। आज ग्रीन ट्यूबवेल के रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से बेहिचक बालू के गोरख धंधा हो रहा है। भ्रष्टाचार में जो 50% पहले कमीशन लगता था, आजकल धुरकी में पार्टनरी हो गया सब पदाधिकारी का। आज धुरकी प्रखंड मुख्यालय बाउंड्री के अंदर 100 रुपया का नोट ले जा कर के ऊपर के पॉकेट में नहीं रख रहा है, जो वहाँ के पदाधिकारी कर्मचारी पैसवा लूट लेंगे। मनरेगा तो हमको लगता है पशुपालन घोटाला से ऊपर चला गया, कोई ऐसा पंचायत नहीं है। अभी 4-5 योजना हम घूम के आए हैं, बाद में बताएंगे, अभी हम DDC से बात करें। धुरकी प्रखंड में भ्रमण के बाद लगता है जो बिना माई बाप, बिना कोई अभिभावक के, बिना प्रखंड में व्याप्त जंगल राज है, न कोई सुनने वाला है और न कोई समाधान करने वाला है। आप धुरकी नगर उटारी का सड़क जो लाइफलाइन है, मुख्य मार्ग है, विगत कई सालों से बन रहा है और बहुत से गड्ढे खोद दिए गए नाला पर, जिससे एक्सीडेंट में बहुत लोग काल के गाल में असमयिक समा गए। दूसरा चीज़ है, धुरकी प्रखंड अंचल कार्यालय पूरा भ्रष्टाचार में, ऐसा समझ लीजिए जो गंगोत्री से भी समुद्र के समान हो गया है। कोई मॉनिटर डिस्ट्रिक्ट में पदाधिकारी के अभाव के कारण देखने वाला नहीं है। जनता आज धुरकी प्रखंड मुख्यालय बाउंड्री के अंदर 100 रुपया का नोट ले जा करके ऊपर के पॉकेट में नहीं रख रहा है, जो वहाँ के पदाधिकारी कर्मचारी पैसवा लूट लेंगे। ऐसा बुरा हाल कभी धुरकी का नहीं हुआ था। और दूसरे तरफ देखिए, जंगल राज मैं इसलिए कर रहा हूँ जो कन्हर नदी लगता है जो उठा करके सब ले जा करके शिफ्ट करा देगा। आज ग्रीन ट्यूबवेल के रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से बेहिचक बालू के गोरख धंधा हो रहा है और इस गोरख धंधा में कितने को असामयिक मृत्यु के काल में एक्सीडेंट से लोग चले गए। गांव के गांव लग रहा है जैसे अफरा तफरी क्राइम होने की संभावना है। जहां पर भी इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए तो, और प्रशासनिक महकमा इसको बढ़ावा दे रहा है एकदम निश्चित तौर पर। गरीबों का पेंशन 4 महीना से गायब है, जबकि ये पूरा BPL प्रखंड है। 4 महीना से गांव गरीब के जितने बूढ़े दिव्यांग लोग हैं, आज राशन पेंशन के अभाव में उनका जीना मुहाल हो गया है। आज मजबूर हैं वो महाजनों से पैसा लेकर के बड़े राशि पर अपना जीवन यापन किसी प्रकार कर रहे हैं। अबुआ आवास के तो झारखंड लेवल में कहना ही नहीं है। अबुआ और गांव-गांव उनके तहसीलदार बबुआ घूम रहे हैं, अगर 20,000-25,000 नहीं दीजिए तो अबुआ आवास नहीं मिलेगा। और जिनके पास आवास है उन्हीं को आवास रिपीट किया जा रहा है। कोई माई बाप नहीं है इस प्रखंड का, कोई सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि भी पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं। हम इसलिए कह रहे हैं जो छोटे जनप्रतिनिधि का काम है अंकुश लगाना, लेकिन पार्टनरी के सवाल पर सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा जो आप स्वाभिमान को जगाएं और सीमित कुछ रुपयों के लिए बड़े राशि का दुरुपयोग होने से रोकें। और भ्रष्टाचार में जो 50% पहले कमीशन लगता था, आजकल धुरकी में पार्टनरी हो गया सब पदाधिकारी का। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन से, जिस पर तत्काल अंकुश लगावे, और नहीं तो मैं अगले हफ्ता पूरा ब्लॉक जनता के माध्यम से जाम करके जन अदालत लगाऊंगा और जनता के माध्यम से और जन अदालत के फैसला के हिसाब से इनका रहना और यहाँ पर दुरुप कर दूंगा। और जब तक नहीं खदेड़ूंगा तब तक सांस नहीं रहो। अब मनरेगा की बात तो दूर रखिए, मनरेगा तो हमको लगता है पशुपालन घोटाला से ऊपर चला गया, कोई ऐसा पंचायत नहीं है। अभी 4-5 योजना हम घूम के आए हैं, बाद में बताएंगे, अभी हम DDC से बात करने वाले हैं। हमारे पास सूची आ गई है, कुआं खोदाया नहीं, बिल फाइनल।
टीसीबीसी योजना है, टीसीबीसी धरातल पर है ये नहीं है, और सारे राशि का निकासी हो गया है। यहाँ पर मनरेगा रेंग रहा है, दौड़ नहीं रहा है। मनरेगा में बड़े पैमाने पर घोटाला, लाभुक का पैसा वेंडर लेके घूम रहे हैं और वेंडर तय कर रहे हैं जो कितना पैसा उनको दिया जाए। यहाँ वेंडर नहीं है, यहाँ कमीशन एजेंट बन करके बैठे हुए हैं, पदाधिकारियों का दलाल बन करके बैठे हुए हैं। वैसे वेंडर पर सख्त कार्रवाई करने के लिए मैं जिला प्रशासन से मांग करने जा रहा हूँ, और मैं आपके माध्यम से आपसे सभी जनता से अनुरोध करता हूँ जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का नाम बताइए और अवराज पांडे की तरफ से इनाम पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।